किधर किधर जा रहे हैं अभी? हे कहाँ जा रहे हैं? आओ आओ। हे किधर जा रहे हैं? आओ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, मासेफ मंदार एंड दिस इज अविनाश होल्डिंग द कैमरा। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं स्काईवॉक के लिए। चलिए तो निकलते हैं स्काईवॉक के लिए। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है वो, कुछ 5 या 10 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। तो लगभग हम लोग का प्लान है कि 10 बजे तक हम लोग दार्जिलिंग के लिए निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दार्जिलिंग यहाँ से कुछ 3 घंटा दूर है, 71 या 72 किलोमीटर ऐसे कुछ तो है। अबे क्या है ये? अबे क्या है ये? किधर है? तो यहाँ पे तो नीचे का डोर बंद है, मेरे ख्याल से किसी को जाने नहीं दे रहे। ये 7 बजे खुल जाता है लेकिन अभी तो खुला नहीं, पता नहीं क्यों। तो अभी देखते हैं यहाँ तक जाते हैं, नीचे से ज़रा दिखा देते, क्योंकि अगर ये लेट खुल रहा है तो हम लोग रुक नहीं सकते, क्योंकि आगे हमें आगे भी जाना है और एक जगह घूमनी है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं ठीक से, बहुत छोटा दिख रहा होगा। तो अभी ये लोग, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब ने बताया कि ये 8 बजे खुलता है और अभी 7:50 हो गए, 10 ही मिनट है, तो हम लोग तब तक यहाँ पे एक चाय पी लेते थोड़ी सी और फिर बाद में जाएंगे। फिर ये क्या, अभी इतना दूर आया है तो बिना देखे जा नहीं सकते। ये पता नहीं कुछ तो है लेकिन अच्छा है, आलू का, आलू का। हमारे शहर में करण जी का बोलते वैसे कुछ शेप है इसका। A few moments later. तो अभी चाय पी के हो चुके हैं, होपफुली अभी वो खुलना चाहिए, 8 तो बज चुके हैं। दोनों का एक बोला, आज आज के पहले पहले टूरिस्ट हम यहाँ के। नहीं भाई सेकंड है वो, पहले सेकंड है। ठीक है चलती, नहीं उससे पहले हमने पे किया रे। अभी जाते हैं ऊपर क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स कवर करने हैं, काफ़ी ऊपर है ये। अभी ना स्टेप्स काउंट कर रहे हैं। ओके ये कच्चे कि हम लोग यहाँ सुबह सुबह आ गए, यहाँ पे भी क्राउड नहीं है, तो जो लेडी है पीछे वो भी वही कह रही थी कि अच्छा है कि हम लोग सुबह सुबह उठ गए, फोटोज़ के लिए हम लोग को ये पूरा खाली मिल गया। 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 3. तो यहाँ तक इट्स 167। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है लेकिन अंदर बहुत ही बढ़िया पेंटिंग्स है और काफ़ी अच्छी स्टैचू है वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा अलाउड नहीं है अंदर,
तो अभी टाइम लैप्स चल रहा है, अभी भी मैटिंग खत्म होने आया है रूटीन। तो अभी 5-10 मिनट में यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आगे हम लोग का और एक पॉइंट है, हमें वो देखना है ताकि जल्दी से हम दार्जिलिंग के लिए निकल जाए। एज यूजुअल हम लोग को अंधेरे में नहीं जाना है। सुपर व्यू वो तो व्यू बढ़िया है ही, साथ में वो भी व्यू काफ़ी बढ़िया है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अविनाश पहले नीचे जा चुका है, मेरा टाइम लैप्स चल रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका था थोड़ी देर के लिए। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वो स्काई वॉक जो कांच से ग्लास से बना हुआ है तो वहाँ पे भी जाना है। इतना टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो जब भी आप पीलिंग आ जाओगे तो ये ज़रूर देखना, काफ़ी खूबसूरत है। नीचे देखना पड़ रहा है, ये गलती से कोई स्टेप मिस ना कर दो, नहीं तो मैं ही मिस हो जाऊंगा। तो ये स्काई वॉक है, देखो ऐसा ग्लास का है। अविनाश व्हाट अबाउट, अविनाश बहुत पकड़ के चल रहे हैं। ऑब्वियसली है, एक तो तुझे तो पता है मेरा वजन तो मुझे तेरे साथ नहीं चलना चाहिए। लेकिन थोड़ी फट रही भी है। अविनाश क्या हो गया, इतना क्या पकड़ के चल रहे मम्मी। ऐसा कर दे बीच में से, एक काम कर दे बीच में से गलती मार दे। हाँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अविनाश का एक्सपीरियंस हम लोग पूछते हैं क्या अविनाश, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? गुड यार, बस नीचे मत देखो। तो स्काई वॉक देखे हो चुका है, 2-4 फोटोज भी खींच लिए। इन जैसे लोगों को डर लगता है। इन जैसे अबे तो चाइना में एक ऐसा कुछ तो भी है, तो अगर वो देखेगा तो पागल हो जाएगा, उधर जाएगा ही नहीं। मैं मच गया। तो बाय बाय करते हैं, टाटा स्काई वॉक, टाटा इसको भी, निकलते हैं यहाँ से अभी। A few moments later. तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो फोर्ट के रूइंस के यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ 15 या 20 मिनट का ट्रैक है, तो वो करके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो बर्ड सेंचुरी है, तो वो बर्ड सेंचुरी 10 बजे खुलता है। तो जब तक हम लोग जाके आ जाएंगे तो तब तक वो बर्ड सेंचुरी भी खुल जाएगा। हम लोग लगभग पहुँच ही गए, बस थोड़ा सा डिस्टेंस है वहाँ पे। लगभग क्या पहुँच ही गए? नहीं, वो तो एंट्रेंस था ना, अभी ऊपर जाना है। अभी ऊपर जाना, कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स। एक बात है, लेकिन सिक्किम में घूमना मतलब आपका काफ़ी अच्छा एक्सेस हो जाएगा। अगर आप नहीं करो तो यहाँ पे आपका एक्सेस हो ही जाएगा। तो इट्स 10:20, तो अभी यहाँ से निकलते हैं।
बहुत टाइम हो गया, 10 बजे हमें 10:30 में सोचा था कि निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए, लेकिन 20:20 यही बज चुका है। तो वो जल्दी जल्दी नीचे जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि 11:30-12 बज जाएंगे दार्जिलिंग को निकलने के लिए। 1 hour later बैठ जा चल। उन्होंने यहाँ पे आने के बाद ब्रेकफास्ट भी कर लिया, थमी खलती है तू तो। ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया हम लोग ने और अभी यहाँ से निकल रहे। उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाता था, हम लोग ऑलरेडी लेट है, तो मैं और लेट नहीं करना चाहता। चलो गणपति बप्पा मोरिया। आज के जो किलोमीटर्स है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से रोड्स बहुत कर्वी कर्वी टाइप है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। कुछ 2 hours 45 minutes दिखा रहा है 70 kilometers के लिए, तो मुझे वही लग रहा है शायद रोड्स बहुत आड़े दिख जाए या फिर रोड्स ख़राब भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। लक्षिप्त का तो रोड मेरे ख्याल से अच्छा ही है, कल हम लोग इसी रूट से आए थे। बाय 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 बिलिंग। तो ये वो मोनेस्ट्री का रोड है, कल हम लोग जहाँ पे गए थे। तो अभी हम लोग लक्ष्य पहुंच गए हैं दार्जिलिंग के लिए, हमें यहाँ से राइट लेना है और अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो वो रोड गैंगटॉक के लिए जाएगा, जिस रूट से हम पीलिंग के लिए आए थे वो वाला। लक्ष्य से दार्जिलिंग कुछ 50-55 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ पे हमें बाइक की एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है। चलो देन डन विद इट। तो ये वो ब्रिज है, यहाँ से अब हमें सिक्किम को अलविदा कहना पड़ेगा। बाय बाय सिक्किम, फिर मिलेंगे। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो चुका है।
तो अभी दार्जिलिंग कितना बाकी है? 11 किलोमीटर। तो हम लोग हमारे होटल से कुछ 10 या 11 किलोमीटर दूर है, तो हमें व्यू काफ़ी पसंद आ गया था इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक गए थे फ़ोटो खींचने के लिए। सही है यार, जल्दी होटल पहुँचते या फिर कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रहेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा टाइम है, ढाई बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग शायद। उसके बाद अगर वक्त मिलता है तो हम लोग कहीं घूम सकते हैं फ्रेश वगैरह होके। चल निकलते, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट आवर होटल। सो प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसकी बैटरी हो गई थी ख़त्म, तो मैं कुछ दिखा नहीं सका जब हम लोग सिटी में एंटर कर लिए थे तभी। रोड्स काफ़ी ऐसे चढ़न चढ़न वाला रोड ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ही आना पड़ा हमें, लेकिन अच्छी राइड थी। अगर मैं आपको होटल इस रूम का व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि बाद में ये बहुत मैसी हो जाएगा, अभी तो इतना मैसी नहीं है। हमने सिर्फ अपनी जो बैग से वो बटन कर दिए, शूज़ वगैरह वहाँ पे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं जब हम लोग बाहर जाएंगे कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग निकले शॉपिंग के लिए। हम लोग के लिए तो ट्रिप हो गई है, फैमिली के लिए कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं मॉल रोड, कहाँ पे पता नहीं, अगर चालू रहेगा तो ठीक है। और साथ ही में हम लोग ने टैक्सी बुक की है कल के लिए, 4:30 को निकलने वाले टाइगर हिल एंड रॉक गार्डन करके, वहाँ के लिए हमने टैक्सी की है, क्योंकि वो दोनों जगह बहुत दूर है और कल के दिन वही तो पहुँच नहीं सकते। विस्टी अविनाश जिंजर टी। ओके, माइंस मसाला चाय। चलिए अपने रास्ते। ये क्या है रे, सही है ना? तो वी हैव डन विद आवर शॉपिंग। तो अविनाश और मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ ले लिया। मंदिर की शॉपिंग है, मतलब ये मेरा शॉपिंग है। नहीं, ये अविनाश का रेड वाला, तो बाकी मेरा है। तो अभी जा रहे हैं होटल पे, कल सुबह 4:20 को निकलना है टाइगर के लिए। टाइगर इंडियास नीचे। ओहो नाइस रे, पार्क रेस्टोरेंट व्हाइट विला, व्हाइट हाउस। ये यहाँ पे वापस व्हाइट हाउस मिल गया हमको, कल यहाँ पे मीटिंग है हमारी। भाई बहुत खर्च हो गया भैया। दमन अंदर है तो साहब खोल दो दरवाज़ा साहब, आपको बहुत जोर की लगी है। बस तो राइट नाउ वी आर हैविंग, आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। चलो तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लिव योर ड्रीम्स।